गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर जीके पीरियड एंड फुल फॉर्म ऑफ जीके जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान, है ना। तो आज हम करेंगे फेमस स्पोर्ट्स पर्सन, पेज नंबर 8, लेसन 2। ओके, ओपन योर बुक एंड जस्ट रीड एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन इन योर लेसन एंड व्हाट इज अबाउट दिस पर्सन। People who play sports are known as sports person. Who is known as sports person? Who plays sports? Who plays sports are known as sports persons. Sports persons work very hard to win medals, shields or cups in national and international games. स्पोर्ट्स पर्सन को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है ट्रॉफीज, मेडल और शील्ड जीतने के लिए। मेक द पिक्चर्स ऑफ द फेमस स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ इंडिया विद द नेम्स यूज हैंड बॉक्स। कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, उनको हमें आइडेंटिफाई करना है और लिखना है किसकी पिक्चर है, उसका नाम लिखना है। फर्स्ट देखिए, आप बैडमिंटन खेलती है ये, और इनका क्या नाम, ये क्या खेलती है, बैडमिंटन, और इनका नाम क्या है, बैडमिंटन खेलती है ये, इनका नाम है अश्विनी पोनप्पा, अश्विनी पोनप्पा। बैडमिंटन लिखा हुआ है, आपको लिखना है अश्विनी पोनप्पा। सेकंड पिक्चर, ये क्रिकेट खेलते हैं और इनको तो सब जानते हैं, मास्टर ब्लास्टर, वो जी सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर, स्क्वैश, दिस लेडी प्लेज स्क्वैश, हु इज शी, शी इज दीपिका पालिकल, स्क्वैश खेलती है ये, स्क्वैश। दीपिका पालिकल, फोर्थ टेनिस प्लेयर, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस टेनिस प्लेयर, यस लिएंडर पेस, लिएंडर पेस, ही प्लेज टेनिस। नेक्स्ट शूटिंग, शूटिंग विच इज द नेम ऑफ दिस पर्सन, अभिनव बिंद्रा, शूटिंग अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट रेसलिंग, जो रेसलिंग करते हैं, हु इज ही रेसलिंग, सुशील कुमार, दीज आर द नेम ऑफ दोस पर्सन्स, बैडमिंटन अश्विनी पोनप्पा, क्रिकेट सचिन तेंदुलकर, स्क्वैश दीपिका पालिकल, टेनिस लिएंडर पेस, शूटिंग अभिनव बिंद्रा, रेसलिंग सुशील कुमार। विद्या सबने ना
Kadambi Srikant and PV Sandhu play badminton. They won the Sportsman and Sportswoman of the Year awards respectively in the individual category at the inaugural edition of Indian Sports Honours 2017. Kadambi Srikant and PV Sindhu ko स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स वुमेन का अवार्ड मिला था. समझ आया आपको? नाउ लेसन थर्ड, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट. ये सारे इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट मींस जो स्पोर्ट्स में काम आते हैं सामान, उन सामान क्या क्या देखिया. थिंग्स दैट वी यूज व्हाइल प्लेइंग अ स्पोर्ट आर कॉल्ड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट. स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हम किसे बोलते हैं? Things that we use while playing a sports. जब स्पोर्ट्स खेलते हुए हम जिन चीजों को यूज करते हैं उन्हें कहते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट. वी यूज सम ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट फॉर अवर सेफ्टी. और इक्विपमेंट्स क्यों लगाया जाता है? ताकि हमें कहीं चोट ना लग जाए, है ना. फर्स्ट, नीता लाइक्स टू प्ले टेनिस. शी इज नीता एंड शी लाइक्स टू प्ले टेनिस. सर्कल द राइट इक्विपमेंट शी नीड्स टू प्ले द स्पोर्ट. अब टेनिस खेलने के लिए नीता को क्या क्या चाहिए? बॉल चाहिए, फुटबॉल, नो. ग्लव्स नॉट रिक्वायर्ड. शूज, यस, शूज इज रिक्वायर्ड. तो आप क्या करेंगे? जब शूज बने हुए हैं उस पर सर्कल बना देंगे. देन टेनिस बॉल, यस, जहाँ बॉल बनी हुई है उसको सर्कल कर देंगे. देन टेनिस रैकेट, दिख रहा है सबको? उसको आप क्या कर देंगे? सर्कल कर देंगे. टेनिस खेलने के लिए नीता को शूज चाहिए, बॉल चाहिए और टेनिस रैकेट चाहिए, कॉक नहीं चाहिए. देन सुरेश लाइक्स टू प्ले वॉलीबॉल, क्रिकेट. द राइट इक्विपमेंट ही नीड्स टू प्ले द स्पोर्ट्स. अब सौरभ को क्या खेलना है? फुटबॉल खेलना है. उसको क्या क्या चाहिए? फर्स्ट पिक्चर, जो हमारा बैंड होता है हैंड बैंड, वो चाहिए. उसको नेट भी चाहिए वॉलीबॉल खेलने के लिए. तो आप जो आपके हैंड सेफ्टी के लिए ग्लव ये बने हुए हैं हैंड नीज, इसको हैंड कवर से इनको को सर्कल बनाइए. इसको आप नेट को सर्कल बनाइए और वॉलीबॉल को सर्कल बनाइए. ग्लव्स नहीं चाहिए, क्रिकेट बॉल नहीं चाहिए और ये भी हमारे को रिक्वायरमेंट में नहीं. देन हमने कितनी चीज़ों को सर्कल बनाया? थ्री. हैंड सेफ्टी क्लॉथ, नेट एंड थर्ड. अमित लाइक्स टू प्ले क्रिकेट. द राइट इक्विपमेंट ही नीड्स टू प्ले द स्पोर्ट्स. क्रिकेट खेलने के लिए अमित को क्या क्या चाहिए? चाहिए स्टैंड लकड़ियों का चाहिए, तो इसको सर्कल बॉल भी चाहिए, बैट भी चाहिए, टेनिस रैकेट चाहिए, आपका कवर चाहिए, हेलमेट भी चाहिए, ग्लव्स भी चाहिए. क्रिकेटर को सारी चीज़ें की जरूरत है, खाली टेनिस रैकेट नहीं चाहिए, बाकी सब पर आप सर्कल बना, ठीक है. मोर टू नो द शूज यूज डिफरेंट स्पोर्ट्स आर डिफरेंट. हर स्पोर्ट्स के शूज अलग अलग तरह के होते हैं. फुटबॉलर्स यूज शूज विथ स्ट्रट्स ऑन द सोल. फुटबॉलर के जो शूज होते हैं वो स्ट्रट्स वाले होते हैं. क्रिकेटर्स यूज शूज विथ स्पाइक्स. और क्रिकेटर्स के स्पाइक्स वाले शूज होते हैं. एंड स्क्विश प्लेयर्स यूज शूज विथ नॉन मार्किंग सॉल्स. और जो स्क्विश खेलते हैं उनमें मार्किंग सॉल नहीं होता. हर स्पोर्ट्स के लिए अलग अलग तरह के शूज की जरूरत होती है. तो आपको जो गेम खेलना है उसके अकॉर्डिंग ही आपको शूज पहनने चाहिए, ठीक है. और आप सब भी गेम खेलते होंगे, क्रिकेट तो सबका फेवरेट गेम है, तो आपको सारे इक्विपमेंट्स यूज करने हैं फॉर योर